एड्राइट का 2-3 पॉइंट बचा हुआ है। तो हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमने कुछ बातें देखे थे। पहले देखे थे हमने स्टेट, वो किस अवस्था में होती है। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन गैस है, बाकी सभी नहीं, सबके सब गैस है। नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन के हाइड्राइड भी गैस है और बाकी सबके भी हाइड्राइड, मतलब सभी के नाइट्रोजन के हाइड्राइड और बाकी हाइड्राइड सभी क्या होते हैं, गैस होते हैं। फिर हमने देखा था कि भाई इसमें टॉक्सिसिटी की बात किए थे, विषैलापन की हमने बात किए थे। तो विषैलापन अमोनिया भी होती है, पर अमोनिया की तुलना में बाकी सब बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। फिर हमने स्टेबिलिटी की बात किया था, तो नीचे जाने पर उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही थी, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही थी। फिर हमने ये भी देखा था कि क्षारीय प्रभाव, क्षारीयता जो है, क्षारीय गुण जो है, नीचे जाने पर कम होती जा रही थी, ठीक है। यानी अमोनिया सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, और क्यों ये भी हमने देखा। फिर अगले टॉपिक में हमने देखा अब अपचायक गुण की बात कर रहे हैं। तो अपचायक गुण क्या होता है, नीचे जाने पर बढ़ती है। तो देखें अपचायक गुण कौन सा, नंबर 5 अपचायक गुण, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ये क्या है, हाइड्रोजन दान करने की क्षमता। जैसे कि आप जानते हो इनके हाइड्राइड्स में जब नीचे जाते हो तो हाइड्रोजन और इस एलिमेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो दुर्बल होती जाती है, यानी कि हाइड्रोजन दान करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है अपचायक गुणों में वृद्धि होती है, क्योंकि हाइड्रोजन दाता क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अमोनिया NH3 में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जबकि नीचे आने पर बिस्मिथ BiH3 के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। सो क्या होगा, अपचायक गुणों में वृद्धि होती है। अपचायक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। कारण क्या समझ में आया, क्योंकि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती, पहली बात तो ये हो गई। जिसका और सबसे बड़ी चीज है कि इनमें नाइट्रोजन यानी एलिमेंट यानी तत्व और हाइड्रोजन के बीच लगने वाला जो बॉन्ड एनर्जी है वो घटने लगती है। अपचायक गुण बढ़ता है क्योंकि हाइड्रोजन दान करने की क्षमता बढ़ती है। क्यों, क्योंकि इसके बंद ऊर्जा कम होती जाती है। क्या क्या बोला, कारण क्या बताया, क्योंकि बोलो बोलो बंद ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी क्या होने लगती है, कम होती जाती है। ये एक सबसे बड़ा कारण, जिससे क्या होगा कि हाइड्रोजन दान करने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो अच्छा अपचायक का काम करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन अपचायक होता है। तो इस तरह से इसका जवाब मिल गया आपको। फिर आगे चलेंगे, एक और चीज है आपके पास, वो है 6वां नंबर, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ अमोनिया के अणुओं के मध्य हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है प्रबल रुधिर तत्व है, और नाइट्रोजन की एक विशेषता है कि हाइड्रोजन की तुलना में ये अधिक ऋण विद्युती है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की उच्च होती है, इसलिए इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। ये आपस में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, जबकि अन्य में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। अन्य मतलब क्या, PH3, ASH3, SBH3, BiH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसका जो केंद्रीय परमाणु होते हैं वो प्रबल ऋण विद्युति नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होते हैं, उच्च ऋण विद्युति हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होते हैं। कौन होता है इसमें, नाइट्रोजन, इस कारण से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हाइड्रोजन के साथ में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होगी। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो केवल प्रबल ऋण तत्व बना सकते हैं, जिसमें फ्लोरीन सबसे प्रबल है। उसके बाद क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन और उससे ये तीन एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती है। इनके अलावा किसी और से भी हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं रखती है। ये बात क्लियर हो गया। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। डॉटनेट की तरफ से एक जरूरी सूचना है,
अभी तक आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नंबर है 8400400400। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डाउट नट से। इसके लिए क्या करेंगे, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए डाउट नट के नाम से। मैथ्स में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप में, इसी व्हाट्सएप नंबर पर जा करके आप उसमें कैमरे से फोटो खींचिए, एक छोटा सा पिक लीजिए। उस पिक में से सिर्फ क्वेश्चन रहना चाहिए, एक्स्ट्रा को निकाल दीजिए, या नहीं कि अपने क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद आप उसे सेंड कर दीजिए, कुछ ही सेकंड में उनका आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपने सेंड किए हैं, अपने डाउट सेंड किए हैं, उस डाउट के आंसर सबसे पहले ऊपर में मिलेगा, और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन का आंसर आपको उसके नीचे और भी मिलेंगे, दूसरे चीज दूसरे वीडियोस का लिंक मिलेंगे। हाइलाइट्स, हाइलाइट एम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 और +5 होता है, तो इस तरह से दो तरह के हाइलाइट बनेंगे। फर्स्ट है ट्राई हैलाइट और सेकंड है पेंटा हैलाइट्स। ट्राई हैलाइट्स एंड X3, पेंटा हैलाइट MX5। मतलब क्या हुआ, NCl3, NBr3, NI3, NF3, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी। NBr3 एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बनता ही नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। ठीक है, दो बातें क्लियर हुई, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, उससे कम ये है, और ये बनता ही नहीं है। बाकी इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स के, जैसे फास्फोरस के हुए, क्या बोलते, आर्सेनिक के हुए, और किसका बोलेंगे, एंटीमनी का होगा और बिस्मिथ का होगा, ये सभी ये सारे हैलाइड्स बनाएंगे। मतलब समझ में आ गया। यहां पे आपने क्या क्या देखा, क्लियर है, क्या देखे आपने, ये सब हैलाइट बनाएंगे ट्राई हैलाइट्स। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी, दो लाइनें लिख लो, चलो काम आएगा। ट्राई हैलाइट्स में लिखो सभी, एक मिनट, ट्राई हैलाइट में सभी ट्राई हैलाइट ऐसे लिखो, सभी ट्राई हैलाइट ससंयोजी होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, सभी ट्राई हैलाइट कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ससंयोजी होते हैं, परंतु BIF3 आयनिक होते हैं। फिर लिखो NBr3 NI3 NBr3 NI3 को छोड़कर सभी ट्राई हैलाइट ज्ञात हैं। ठीक है, जो कि मैं यहां पर बताया था ना, ये अनस्टेबल है, ये नहीं मिलता है आपको, बल्कि ये मिलेंगे और इनके भी ट्राई हैलाइट मिलेंगे। इनके ट्राई हैलाइट में समझ रहे हो, अगर मैं इसके फास्फोरस की बात करूं तो बी क्या था, PF3, PCl3, PBr3, ठीक है, PI3, फिर इसके साथ कर सकते हो। बस नाइट्रोजन जो है क्या नहीं बनाती है, NBr3 और NI3 ये नहीं बनाती है, बस इतना क्लियर रखो अपने दिमाग में। फिर नीचे लिखोगे कि NCl3 बहुत कम स्थाई होते हैं,
यहां पे एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी क्या है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, ये बहुत स्थाई है और ये बहुत कम है, और ये तो है ही नहीं है, तो इसे क्लियर हो जाता है ना, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। ठीक है, लिखो, अस्थाई है तथा यह विस्फोटक होता है। अब सबके क्लोराइड के साथ जल की अभिक्रियाएं देखते हैं कैसे करता है यह। ठीक है, हमारे पास क्या क्या हो सकता है, NCl3, PCl3, बोलो AsCl3, SbCl3 और BiCl3। इन इनमें कुछ चीजों को जानना है, सभी का जल के साथ क्रिया देख लें, याद कैसे रखेंगे वो बता रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि सभी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देते हैं, सभी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देते हैं ना, सब में एक खास बात है, सभी क्या देगा, H और Cl के साथ HCl तो देगा ही देगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो फिक्स है। पर सबके साथ एक और चीज है कि ये वाला जो है ना, फर्स्ट वाला दो चीजें बनाता है, एक तो बनाता है अमोनिया NH3 और दूसरा देता है CHOCl, ये अपने तरह से अलग तरह का कंपाउंड देता है, ये विस्फोट के साथ चलती है, रिएक्शन होती है, ये दोनों में जाएंगे तो ये बनाता है H3PO3 और ये वैसे ही बनाएगा H3AsO3। अब बच गया जो है Cl और किसके साथ, OHH के साथ, तो ये बनाएगा HCl और ये भी बनाएगा HCl। बैलेंस करना बात की बात है, यहां पर कुछ चीजों को याद करिए आप, अमोनिया बनाता है, ठीक है, और ये सब क्या बनाते हैं, उनके ऑक्सी एसिड बनाते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं इन दोनों पर, ये हाइड्रोक्साइड बनाता है SbOH, ठीक है, SbOH, तो यहां पर SbOH का HCl से रिएक्शन होगा तो बन जाएगा SbOCl बनाता है, फाइनली ये क्या बनाता है, SbOCl, तो ये क्या बनाएगा, BiOCl प्लस HCl प्लस HCl, ये चीजों को याद रखिए आप। बैलेंसिंग अलग बात है ना बेटा, बैलेंसिंग पे नहीं बात करेंगे, यहां पर आपके पास क्या हुआ, सर सभी तो एक जैसे हैं तो प्रोडक्ट भी एक जैसे होगा, तो सबका नेचर भी तो अलग अलग है, स्ट्रक्चर एक जैसा है पर नेचर अलग है, क्योंकि ये नाइट्रोजन हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उच्च विद्युत ऋणात्मक है, तो हाइड्रोजन के साथ इनका बॉन्डिंग हो गया, बाकी ये दोनों की विद्युत ऋणात्मकता कम है, लेकिन ये देखो ये सभी तत्व जो होते हैं ये नॉन मेटल है, ये मेटलाइड है, ये नॉन मेटल है, जबकि नीचे वाला मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, अपना हाइड्रोक्साइड जैसे कंपाउंड बनाएगा, और हाइड्रोक्साइड जब बनेगा, ये हाइड्रोक्साइड जब बनेगा, जैसे मान लेते हैं SbOHb हो, तो ये HCl से रिएक्शन करके क्या होता है, ये OH निकाल कर Cl बनना चाहिए, जबकि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, जबकि उसकी जगह क्या बनाता है, स्पेशल अलग तरह का कंपाउंड बनाता है, SbOCl टाइप का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखेंगे आप लोग, तो ये देखें इनमें दो तरह के कंपाउंड देखने को मिला, ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, तो ये याद रखना होगा। अब ये बोलेंगे सर हमें ये रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, ये रिएक्शन बना कैसे, मैंने आपको बताया यहां पर याद रखने वाला पॉइंट ज्यादा है, समझ रहे हो, कैसे में नहीं जाना पड़ेगा, कैसे में जाएंगे तो सबके सब तो ऐसा रिएक्शन करेगा भैया, अगर सिंपल अगर आप देखें तो नाइट्रोजन है, अमोनिया है, किसके साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन, अच्छा Cl के साथ है, तो ये Cl के साथ है, पानी के साथ रिएक्शन बिल्कुल इजी समय लगता भैया, ये HCl निकल जाना चाहिए था, Cl3 है ना, तो ये HCl निकल जाएगा, तीन बार निकल जाएगा, सोचने में ऐसा लग रहा है कि ये क्या बने, HCl 3 टाइम्स बने, OH 3 बार है तो बनना चाहिए H3NO3, ये बनना चाहिए, जो कैसा बनता नहीं है, दिमाग आपको यहां तक ले जाएगा रिएक्शन कराने में। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, चलो समझ में आई, ऐसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो कहां मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है, बाकी आपको पहला नाइट्रोजन ने धोखा दे दिया, अमोनिया ने, और उसके बाद इन दोनों ने दे दिए, तो इस तरह से इस रिएक्शन को याद रखा जा सकता है, आप कोशिश करें, शायद आपको याद भी आ गया होगा कि नाइट्रोजन वाले NH3 ने क्या बनाया आपके लिए, NH3 बनाया,
और एक और चीज बनाता है HOCl, ये दोनों आपके दिमाग में बैठेगा। बाकी आपको PCl3 और ASCl3, ये दोनों ही क्या बनाता है, ऑक्सी एसिड बनाती है, H3PO3, और ये बनाता है H3ASO3। बाकी SbCl3 पानी के साथ अपघटित होकर क्या बनाता है, SbOCl बनाता है, और इस तरह से BiCl3 जो है BiOCl बनाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इतनी डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के साथ साथ डेटा भी याद रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेटा कम, उसके सिस्टम को समझना पड़ता है। यहां पर कुछ जगहों पर क्या मिलती है, थोड़ी सी अपवाद मिलते हैं, एक्सेप्शन मिलते हैं, इस वजह से थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना। चलो अब इस तरफ की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है। साथ में PCl5 और ASCl5 और एक और चीज देख लीजिएगा SbCl5, जिनमें ये कम स्टेबल है लेकिन ये स्टेबल है। तो ये दोनों फास्फोरस और एंटीमनी के पेंटाहेलाइड जो है ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, बाकी के कम होते हैं। बिस्मिथ तो पेंटाहेलाइड वो भी नहीं बनाती है, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो ये बातें हुई, तब इनकी जल के साथ क्रिया होने पर क्या होगा, इनके जल के साथ क्रिया होने पर कोई बता सकते हैं? अभी तक कुछ याद किए हो तो हमने यहां पर आपको एक बात बता दें कि ये जल के साथ, नॉर्मल जल के साथ जब रिएक्शन करती है तो ऑक्सी एसिड बनाता है, एक एसिड बनाता है, तो ये बनाएगा H3PO4, बाकी जो बनना है वो तो दिख ही रहा है, और इसमें क्या बनेगा, H2O से रिएक्शन करने पर ये क्या बनेगा, H3SbO4, सेम कंपाउंड, तो क्या बन सकता है, HCl, और यहां पर भी HCl, बैलेंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो चलो स्ट्रक्चर, हैलाइड पहले कर देता हूं, संरचना दोनों के, ट्राइहैलाइड और टेट्राहैलाइड, पेंटाहैलाइड, MX3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब क्या स्ट्रक्चर होगा, M पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, बाकी H हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो मेरी क्लास में आप लोग अच्छे से, तो यहां पर सिर्फ हम जानकारी दे रहे हैं बस। तो इस जगह पर इस तरह से ये क्या होगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर, और इसमें एंगल जो है वो कैसे होगा वो बता देते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपको यहां पर क्या चीज मिलेगा, नाइट्रोजन NX3, अगर ये सेम है तो ठीक है, NX3 PX3 ASX3 और SbX3 और BiX3, तो क्या होता है, एंगल कैसे होगा, तो ये हो बॉन्ड एंगल, कौन बताएगा किसका एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इस वाले का कि उस वाले का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा होता है, तो बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ सेंट्रल एटम, ये याद रखिएगा, केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके साइज छोटा होने पर होता है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, उसके आगे वाले की कम होगी। इसी में अगर मैं आपसे पूछूं NF3 NCl3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, NCl3,
सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा। सराउंडिंग एटम्स, ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम है, तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यानी वो बड़ा हो रहा है, तो वो सीएल फ्लोरीन से बड़ा है तो दूर जाने की कोशिश करेगा। यहां पर सेंट्रल एटम जो है वो छोटा है, जितना छोटा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, सेंट्रल एटम को डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन देखो, सेंट्रल एटम अलग है ना इसमें दोनों में, बोलो ये नाइट्रोजन ये चेंज हो रहा है, बाकी एक्स तो सबका सेम है। हाँ, इस जगह पे क्या है, NCl3 और PCl3, इसमें किसका ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल, बोलो NCl3 का ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, छोटा एटम है, समझ रहे हो। इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं, काफी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये किस पर है, ये किस पर डिपेंड है, इसमें सराउंडिंग एटम, तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, ऐसे आप नोट कर सकते हैं। इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा जो अगले टॉपिक में भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए नाइट्रोजन वाले फैमिली में समझ जाओ तो ऑक्सीजन वाले फैमिली में आपको तकलीफ नहीं होगी, इसलिए पढ़ाई जाती है इसको। अब चलते हैं पेंटाहेलाइट एम एक्स फाइव, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एसपी थ्री डी। अब क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब डिटेल देने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस चीज के बारे में अच्छे से जानते हो, यस। तो चलो क्या होगा, एम ये लीजिए, सेंट्रल एटम एम है, उसके साथ पांच एक्स जुड़ा हुआ है और ये एक प्लेन पर है जिनके बीच आपस में एंगल 120 डिग्री का है और इनके साथ परपेंडिकुलर 90 एंगल का है और इस तरह से ये क्या हुआ, हेक्साहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, इसको या कह सकते हो ट्राइहेड्रल ट्राइंगुलर कर देते हैं बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, षष्ठफल की संरचना या कह सकते हैं त्रिकोणीय द्वि पिरामिडीय संरचना, एंगल भी क्लियर है और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वो भी पता है। इसके हाइड्राइड क्या होते हैं, पेंटाहाइड्राइड तो होता नहीं है, ट्राइहाइड्राइड ही होते हैं, है ना, यानी NH3PH3 होता है ना, ये NH3 या PH3PH5 तो नहीं होते हैं, होते हैं क्या PH5, कभी देखे हो, NCl3 होगा, फास्फोरस PCl3 PCl5 दोनों होगा, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन था कि हमारा NCl3 होता है NCl5 क्यों नहीं, तो जवाब मिल गया आपको, PCl5 जब बन सकता है तो NCl5 भी बनना चाहिए, क्यों नहीं, ये भी प्रश्न हो सकता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजन क्या होता है, पेंटाहेलाइट क्यों नहीं बनाती है। और वैसे हाइड्राइड की बात करें तो सबके सब क्या बनाता है, ट्राईहाइड्राइड बनाता है, NH3 PH3 ASH3, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP3, तो SP3 है तो चतुष्फल की संरचना देखने को मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ये है M, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, बाकी तीन जगहों पर आपको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन, यस। तो ये जो है ये लो हो गया, तो ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिडी संरचना होगी इसके। डिटेल करने की जरूरत नहीं है, जो आपको जितना जरूरत है वहां पर आपको, क्योंकि डिटेल मतलब आप कहां चले गए हो, हाइब्रिडाइजेशन समझाने में चले गए हो, वो आपका केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग यहां पर शो नहीं करना है। तो चलो ये हुआ इसकी संरचना, अब यहां पर एंगल क्या होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा, क्या बोला था, एंगल बॉन्ड एंगल के बारे में क्या बताया था आपको अभी, बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पे सराउंडिंग एटम क्या चेंज हो रहा है, सराउंडिंग एटम तो हाइड्रोजन तो वो तो वही है ना, तो सेंट्रल एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा,
अब बताओ मुझे कि NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3 है, तो किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा? बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका धीरे धीरे कम होगा। कौन सा बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं? इस जगह की, ये वाला एंगल, HMH बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, है ना? कौन सा बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं? HMH बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? वो धीरे 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 घटती जाएगी, यानी इसकी तुलना में इसमें कम होगा, उसमें कम होगा, ठीक है? तो वैसे सिर्फ याद रखिए, अगर बॉन्ड एंगल याद रखना भी है तो इसमें NH3 में बॉन्ड एंगल होता है कितना? 107 डिग्री, इतना बॉन्ड एंगल होता है। उसका आपको क्या करना है, छोड़िए जब नहीं पता है तो, और याद भी नहीं रखना, बस इसका याद रखना है आपको 107 डिग्री, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता तो 109 डिग्री होता है, sp3 होगा तो, कितना 109 डिग्री 128 सेकंड की होती, तो 28 मिनट की होती, तो इस तरह से ये होगा। लेकिन यहां पर क्या मतलब, ये 109.5 के आसपास है, ठीक है ना? तो ये यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो वो एंगल कितना दिख रहा है? 107। ये वाला कितना है अमोनिया में? 107। अमोनिया की बात करते हैं तो कितना होगा? 107 डिग्री स्ट्रक्चर वाइज, बाकी सब में वो धीरे धीरे कम होते जाता है। मैंने कहा हाइड्राइड जो पढ़े हैं किस ग्रुप का एलिमेंट? नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स का। हम नाइट्रोजन परिवार को पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियों को ले रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपको ऑक्सीजन परिवार के साथ भी मिलेगा, ठीक है? वही जो गुण है वो किसके साथ भी मिलेगा? फैमिली हाइड्रोजन हैलोजन के साथ भी मिलेगा, हैलोजन फैमिली के साथ, हैलोजन के साथ भी मिलेगा। तो आपको ये सोचना है कि यहां पर जितना सीख जाएंगे वो आगे जाके काम आएगा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं कि कैल्कोजन में से, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली से एक क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूं H2O H2S में किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? बोलो किस में ज्यादा होगा? H2O में। ठीक से बोलो, ठीक से देखो और बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर बड़ा है, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? बेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि अरेखीय संरचना है, ठीक है? अरेखीय संरचना है तो उसका एंगल कहीं ना कहीं वो बेंट रहेगा, और बेंट रहेगा तो अब सवाल ये होता है कि इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा, दोनों में से किसका ज्यादा बताया आपने? किसका? H2O का। बोलो क्यों, क्यों बताया आपने इसको ज्यादा? क्योंकि इसके सेंट्रल एटम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बात खत्म कर दो, ठीक है? कल के डेट में ऐसा ही प्रश्न हो सकता है, H2S का कम है कि H2O का कम है, किसका कम है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे आएगा। तो इसलिए आपको एक बात पकड़ना है, बाकी यूज करते जाना है। हम इस परिवार में हम देखेंगे एक नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में जानकारी लेंगे। नाइट्रोजन के हाइड्राइड हैं अमोनिया, NH3, अमोनिया बनाना, लेबोरेटरी प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों जगह पे देखेंगे। यानी आप प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे बना सकते हो, सिंपल कुछ चीजों को जान करके, और उसके बाद आप फैक्ट्री में कैसे कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हो। तो सिंपल से दो बातें मैं आपके सामने कर दूं। अमोनिया बनाने की एक प्रयोगशाला विधि के बारे में बात करता हूं। अमोनियम कंपाउंड जो भी आपके पास होगा, अमोनियम कंपाउंड जो भी आपके पास होगा उसका क्षार के साथ रिएक्शन करा दोगे। बस एक कॉन्सेप्ट को बस पकड़ लो, क्या बोला मैंने? अमोनियम कंपाउंड को जानते हो? अमोनियम को कोई यौगिक को जानते हो? कोई आटो बता सकते हो? अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसागर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। चलो मैंने क्या कहा, तो उसमें क्षार के साथ उसको गर्म करना है, क्रिया कराना है, तो बोलो अमोनियम क्लोराइड। मैं यहां पर लेबोरेटरी प्रिपरेशन बता रहा हूं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन यानी कि प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि या लेबोरेटरी प्रिपरेशन लिख सकते हो। तो इसमें मैंने क्या बताया, सिद्धांत क्या बताया, थ्योरी क्या बताया, इसका थ्योरी क्या बताया? बोला कि अमोनियम कंपाउंड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, क्षार के साथ कराते हैं, तो हमें अमोनिया प्राप्त होती है। तो चलो
अमोनियम कंपाउंड, मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम सल्फेट लिया, कोई भी कंपाउंड ले लो, अमोनियम कार्बोनेट लेंगे तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस मिल जाएगा। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जगह नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो ये देखें, तो इनमें क्या हो गया, इनका बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो, KOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा सकते हो, बेस कोई भी हो। बात कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी चीजें अपने आप बनता है। तो देखिए यहां पर ये मैंने कहा अमोनियम कंपाउंड और किसी बेस के साथ रिएक्शन, सिंपल मैं एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं। इनके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Cl और Na साफ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इसके पॉजिटिव वन इसके नेगेटिव के साथ, इनको गर्म भी करना होगा तो क्या होगा NaCl बच गया, उसमें क्या बचा, OH बचा है और इसमें NH4 बचा है, तो NH4OH जो होता है ना गर्मी में वो विघटित हो जाता है, टूट जाता है। कैसे, NH4 जो है NH3 अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा, जो H अलग होगा किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ, तो वह H2O बन गया और वो उधर बचा हुआ NH3 अमोनिया गैस के रूप में निकल गया। इसमें भी बताऊंगा, अगर आप ये रिएक्शन KOH के साथ नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हो, लाइम वाटर के साथ कर रहे हो, या बुझा हुआ चूना बोल सकते हो, तो NH4Cl के साथ ही करा के दिखा दो, तो क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा बताओ जल्दी से, CaCl2 वैलेंसी 2 है इसके, तो ये 2 टाइम्स लगेगा। अब क्या बचा, इसके बाद 2 OH है, इसके बाद NH4 दो बार है, NH4 एक एक बार दो बार टूटा, NH3 और H में टूट गया, तो दो बार NH3 बचा, दो बार H बचा जो कि दो बार OH के साथ मिल गया। क्लियर हो गई, अब क्या हो गया बताओ, बताओ तो 2H2O और प्लस 2NH3। अब ये मत सोचना सर N2H6 लिख दूंगा तो क्या बिगड़ेगा मेरा, वो कोई कंपाउंड ही नहीं है, जो नहीं है उसे नहीं लिख सकते आप, समझ रहे हो ना, तो वो बातें जरूरी है। अच्छा ठीक हो गया, अब मैंने बोला अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके देखो, NH4 ट्वाइस SO4 यहां पर भी बनेगा, चलो मैं NaCl के साथ ले लेता हूं, सॉरी NaOH के साथ ले लेता हूं, तो क्या होगा, ये क्या मांगेगा, दो बार Na, तो क्या हुआ Na2SO4। थोड़ा सा ना आप आदत बनाओ रिएक्शन करने की, क्योंकि यहां पर बहुत रिएक्शन है, अगर रिएक्शन की आदत बनाओगे तो रिएक्शन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, आदत नहीं बनाओगे रिएक्शन पे डरोगे, घर में जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मैं क्या करूंगा कि वही रिएक्शन कराऊंगा जो रिएक्शन आप लोग पढ़ना चाहते हो, ठीक है, और बैकग्राउंड में दूसरे वीडियोस बना करके अपने वो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं उनको दे दूंगा। ये हो गया, अब क्या बचा है, OH दो बार बचा हुआ है, NH4 दो बार बचा हुआ है, तो क्या हुआ 2H2O प्लस 2NH3। तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लो और उनको किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दो, और उनके साथ रिएक्शन ही नहीं कराना, उसको उनके साथ गर्म कर दो तो अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है, ये प्रयोगशाला विधि है। सर एपरेटस कैसे रखोगे, ये तो बन गया, ऐसा तो नहीं होता है कि आपने तवे में रखा इनको और ये फ्राई मार दिए, ये कर दिए वो कर दिए, यहां पर आपको जो गैस मिला है गैस तो उड़ जाएगा, गैस को कलेक्ट करना है, तो गैस को कलेक्ट कैसे करोगे, इकट्ठा कैसे करोगे, तो बनाओगे कैसे, देखते हैं, आपने क्या है जल विस्थापन यानी पानी में इकट्ठे करेंगे, ठीक है हम करके दिखाते हैं। गैस है उसको कवर रखेंगे ना, बाहर ना निकल सके, तो हम एक राउंड बटन फ्लास्क लेंगे, इस तरह से राउंड बटन फ्लास्क, राउंड बटन फ्लास्क वजन होता है इसलिए हम ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, और साथ में ये ना गिरे इसके लिए क्लैंप स्टैंड भी ले लेंगे, ये लीजिए, बहुत ज्यादा सजा सजा के नहीं बनाता मैं क्योंकि उसे टाइम जाता है। मैंने इसमें क्या लिया, ये देखो ये दोनों चीजें लिया मैंने, मैं इधर से अलग से नहीं लिखूंगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और क्या लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसमें मैंने कॉर्क लगा दिया, मैंने गरम किया, बर्नर लगाया, ठीक है ये हो गया।
अब यहां से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड यही रह जाएगा, पानी यही रह जाएगा, अमोनिया गैस मिलेगी। ठीक है, इस अमोनिया गैस को मुझे इकट्ठे करने हैं। अमोनिया गैस जो होती है एयर से, हवा से काफी हल्की होती है। ठीक है, तो ये अमोनिया गैस को मैं उल्टे गैस जार से रखूंगा ऐसे। अब इसको भले स्टैंड से ऐसे पकड़ के रखे रहो अलग बात है। ऐसे इधर एक कार्डबोर्ड लगा देता हूं ताकि वो ये पानी को विस्थापित नहीं करती है, ये हवा को विस्थापित करके वहां पर इकट्ठे हो जाती है हल्की होने की वजह से। ठीक है, ये हल्की क्यों है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 × 32 32। अमोनिया का कितना होगा? NH3 का 17। नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 × 28 28, 32 और ये 17। 17 हल्का हो गया, समझ में? मॉलिक्यूलर मास से ये बात निकाल सकते हो। ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करती है, बची क्या? थोड़ी बहुत दूसरी गैसें हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे इकट्ठे किया जा सकता है। मुझे अमोनिया गैस, अब बोले आप सर पानी में इकट्ठा कर लू, ओके कर लो, देखते हैं कैसा होता है। अमोनिया पानी के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कहां अमोनिया आया? आसमान से गिरा खजूर में अटका दिए उसको। ठीक है, तो पानी में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। पानी में इकट्ठा करने वाला आपने पढ़ा था 11th में कई, तो है ना, इधर पानी गैस जार को उल्टा रख दिए, यहां से आपने पाइप छोड़ दिया। यस, गैस बनते गया, इस पानी में बुलबुले के साथ ऊपर आते गया और ये हमको कोई भी गैस मिल जाती। तो ऐसा नहीं होगा, ये पानी भरा हुआ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पानी साथ ऐसा करोगे तो। हाँ, अब मैं आपको काम दे रहा हूं, तो इस तरह से आपने प्राप्त किया। अब इसमें जो एक ट्विस्ट लगेगी वो कल की क्लास में बताऊंगा कि अमोनिया गैस को सुखाएंगे कैसे, क्योंकि इसके साथ सिर्फ अमोनिया गैस नहीं मिल रही है, तो इसको सुखाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब उसको इकट्ठा करने से पहले उसके पानी को हटाना है, सुखाना है, शुष्क करना, उसमें से पानी हटाना है। तो अब क्या करेंगे, किसके द्वारा सुखा करेंगे? क्या हम देखो, गैसों को सुखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गैसों को सुखाने के लिए हम उपयोग करते हैं ड्राई जिंक क्लोराइड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एनहाइड्रस P2O5। ठीक है, ड्राई कैल्शियम क्लोराइड हम यूज करते हैं। क्या इनके द्वारा सुखाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब का उपयोग करते हैं। तो हम इनमें से किस में सुखा सकते हैं और इनमें से जिनमें नहीं सुखा सकते, क्यों नहीं सुखा सकते हैं, इसको ड्राई क्यों नहीं कर सकते उनसे अमोनिया गैस को, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, अमोनिया गैस को किस प्रकार शुष्क किया जाता है और बाकी जिनसे आप नहीं कर सकते, जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के द्वारा क्यों नहीं कर सकते हैं, P2O5 के साथ द्वारा क्यों नहीं कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के और जिंक क्लोराइड के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं, या इनसे क्यों कर सकते हैं, ये आपको जवाब देना। किससे ये ढूंढ के लाना है, आपका ये होमवर्क है। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैब केमिस्ट्री। इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैब केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोज़ है जो रैंडम में आएगा, यानी आगे पीछे आएगा,
वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नए नए अपलोड होते जा रहे वो आता है, और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। नमस्कार।